सामूहिक धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का मामला सामने आया। इसको लेकर के सुशील पाठक ने किया विरोध। आपको बता दें, बरेली में आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के ने 21 जुलाई को सामूहिक धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का ऐलान कर दिया है। इसी को लेकर धर्मगुरु सुशील पाठक ने विरोध किया है। नाम है आपका? जी, सुशील कुमार पाठक। पाठक जी, इतिहादी मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं मौलाना तौकीर रजा, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो 23 हिंदू जोड़ों का जो है विवाह कराएंगे और उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, तो क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, मौलाना तौकीर रजा का इस तरह का ऐलान, और वो भी इस समय जब सावन का पवित्र महीना आ रहा है। आप एक बात समझिए, कई ऐसे बच्चे हैं जो स्वेच्छा से विवाह कर लेते हैं, वो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और कहीं कोई विवाह करके वो किसी धर्म में परिवर्तित होता है, वो एक अलग बात है। परंतु एक व्यक्ति विशेष द्वारा इस तरह की चेतावनी देना कि हम 23 जोड़ों को विवाह करा के उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये तो खुद ही जास्ती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, और ऐसे आयोजन का किसी भी तरह से परमिशन नहीं दी जाए, ऐसे जिला प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा। साथ ही उन बच्चों से भी कहूंगा जो इस तरह के कृत्य करने जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने भविष्य के लिए एक खाई खोद रहे हैं, और मौलाना तौकीर जैसे लोग जिन्होंने जो ये कहते हैं, इससे ये साबित होता है कि वो लोग इन्होंने अपने व्यक्तियों को छोड़कर ऐसे व्यक्तियों को मोटिवेट किया है, ऐसे लड़कों को छोड़ा है जो इस तरह से लड़कियों को बताएं और इस तरह के कृत्य करें, इसका इससे साबित होता है। इस बात को बयान देने से तो किसी ने साबित कर दिया कि वो स्वयं कर रहे हैं इस तरह के कृत्य। तो जिस तरह से अभी एक मौलाना पे कार्रवाई हुई, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूँ तौकीर रजा के खिलाफ भी उसी तरह का कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसने स्वयं जरा धमका कर अपने आदमी जोड़कर ऐसे हिंदू लड़कियों के लिए बरगलाया है, और उस तरह से 23 जोड़ों की अनुमति मांग रहे, ना तो ऐसी अनुमति देनी चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।